Khanak Kaushik dazzled the fencing world with her skills and determination after winning a bronze at the Asian Junior and Cadet Championship 2022 Uzbekistan and gold at the Delhi Olympic Games 2018, making India proud. Khanak had also secured silver at the Kalo India Women's Fencing League 2022, clenched gold at the 2024 Kalo India Games Chennai she received a bronze at the senior national fencing championship 2022 she aims for more international success and hopes to inspire others to embrace fencing tasha singh also a fencer from delhi who started fencing at a very young age she made a mark with a bronze at the national fencing championship in gujarat and another bronze at the National Fencing School Games in Jammu. Additionally, Tasha secured gold at the Cadet Under 17 and Junior Under 20 State Fencing Championships. Her success extended to the senior level with gold medals at the Senior State Fencing Championship in 2022 and 2023. Now, she sets her sight on qualifying for the upcoming Asian Championships.

तो ये फ्रेंडशिप कहाँ से शुरू हुई स्कूल से या यू you नो know, ऐसे तलवार लड़ते हुए कब शुरू हुई से शुरु? जैसे फेंसिंग स्टार्ट की तब जैसे हम पहले भी सेम इवेंट में स्टार्टिंग से सेम इवेंट में तो जब हम पहले मिले बातचीत हुई बहुत ज़्यादा हम बहुत ज़्यादा टॉकेटिव है बहुत ज़्यादा <laughs> तो बातचीत स्टार्ट हुई एक दूसरे ने एक दूसरे के इंटरेस्ट बताए वो मैच हुए फिर बहुत सारे यू नो कॉम्पिटिशन्स में गए नैशनल्स में गए तो वहाँ पे ऐसा था कि बाकी लोग अपने आप में बात रहे और हम दोनों अपने आप में अपने धुन में रहते थे हँसते रहते थे पूरे टाइम सबको पागल बनाते थे हम ऐसा कभी हुआ है कि आप में फ्रेंडशिप तो है वो दिख रहा है बट गेम के टाइम पर वो कॉम्पिटिटिवनेस वो यू you नो know, कि मुझे उससे अच्छा करना है या थोड़ी जलसी फैक्टर जैसे लोग कहते हैं ना वो कभी आया आप लोग की बीच में तो हम दोनों का ना स्टार्टिंग से क्लियर रहा है कि हम दोनों ऐसे बाहर बेस्ट फ्रेंड्स हैं और कभी अगर हमारी आपस आप में बाउट हो भी जाती है तो इट्स लाइक कि ठीक है गेम सबसे फर्स्ट चीज़ है तो वो भी अपना हंड्रेड परसेंट देती है उस टाइम मैं भी हंड्रेड परसेंट देती हूँ एंड देन फिर वो ऑब्वियसली अब दोनों के गेम पे कौन जीते कौन हारे एंड देन उसके बाद हम वापस एक दूसरे के साथ फेंसिंग एक बहुत यूनिक स्पोर्ट है नीच स्पोर्ट है आ, बहुत लोग एक्सपेंसिव स्पोर्ट भी आ, कहते हैं इसके बारे में तो आपका क्या कहना है इसके बारे में फेंसिंग बहुत मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पोर्ट है किस, किसी को ज़्यादा पता नहीं है उस चीज़ के बारे में और उसकी जो ब्लेड्स वगैरह होती हैं जो सेबर फॉल एप है सबकी क्योंकि वो ब्रेकेबल होती हैं और इतनी ज़्यादा मैनुफैक्चरिंग नहीं है उनका इंडिया में तो बाहर से इम्पोर्ट करवानी पड़ती हैं तो उस चीज़ में फिर मनी का ज़्यादा पड़ता है तो इसलिए वो एक्सपेंसिव स्पोर्ट ज़्यादा कहा जाता है और इंडिया में पहले भी तलवारबाजी होती थी और ये स्पोर्ट रिप्रेजेंट करता है अपने इंडिया को तो यूनिक स्पोर्ट लगा और बहुत ज़्यादा यू नो मज़ा आता है खेलते टाइम थ्री अलग अलग इवेंट्स हैं तो आपको अलग अलग चीज़ें देखने को मौका मिलेगा बहुत जैसे कहते हैं ना इम्प्रेसिव है और बहुत सारी चीज़ें करने का मौका मिलता है है, है, काफ़ी डायनेमिक है तो जैसे आपने कहा कि ये एक इंटरेस्टिंग गेम है बट आई नो फॉर अ फैक्ट दैट यू सिंग एज वेल एंड यू यू आर स्केच है ना बहुत सारी uh, uh, मैंने आपकी रील्स देखी थी सोशल मीडिया में यू आर क्वाइट एक्टिव देयर एंड यू इन्फ्लुस योर योरसेल्फ सो हाउ डू यू मैनेज ऑल दीस थिंग्स ये भी और साथ में एकेडमिक्स भी आप 11th स्टैंडर्ड में है तो ये सारी एक्टिविटी आप कैसे मैनेज करते हो टाइम टेबल है बट uh, मैं फॉलो नहीं करती <laughs> तो ऐसा है कि फेंसिंग से आती हूँ मूड ख़राब है तो उस मूड में जो भी मेरे दिमाग में आता है उसको स्केचिंग पे निकाल देती हूँ और जैसे फेंसिंग के टाइम पर वार्मअप के टाइम पे गाना सुना तो वो पूरे टाइम दिमाग में चलता रहता है तो ऐसा हुआ कि ओ बहुत अच्छी आवाज़ निकल रही है तो उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं और अकेडमिक्स से रात को पढ़ते टाइम पढ़ते टाइम से मन नहीं लग रहा है कुछ अच्छा नहीं लग रहा है तो पढ़ाई चालू कर देते हैं कि फोकस रहे और मॉर्निंग के के बाद फोकस बनाने के लिए पढ़ाई चालू कर देते तो हैं किसी तरह आपका भी सेम 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 हॉबीज़ है 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 या क्या yeah. 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 exactly <laughs> हम दोनों एकदम है. तो मेरा भी है. मैं भी मैं स्केचिंग करती पेंटिंग करती हूँ इंटरेस्ट uh, है एंड ऑब एंड है uh, थ स्टैंडर्ड तो बोर्ड्स का भी प्रेशर होता है और साथ में आपके गेम्स भी चल रहे थे टूर्नामेंट चल रहे होते हैंजर अकेडमिक मुझे स्पोर्ट्स में तो फ्यूचर बनाना ही है पर एक एजुकेटेड स्पोर्ट्स पर्सन का होना बहुत जरूरी है मैम टाइम मैनेजमेंट की टाइम मैनेजमेंट ये अगर आप अपना टाइम को मैनेज करना सीख लोगे ना तो सब कुछ हो जाता है क्योंकि ट्वेंटी फोर आवर्स होते ट्वेंटी फोर आवर्स इज अ वेरी लॉन्ग टाइम तो अगर आप उसको मैनेज कर लो कि इतना टाइम ये इतना टाइम वो तो फिर सब कर सकते हैं तो पेरेंट्स ऐसा होता है कि प्रेशर करते हैं कि ठीक है अभी बहुत खेल लिया तो अभी पढ़ाई करो या ऐसा होता है या पढ़ाई बहुत कर लिया बच्चे अभी नहीं अभी गेम आ रहे तो फेंसिंग पर थोड़ा ध्यान दे दो ऐसा होता है मोस्टली मेरे साथ ये है कि पापा बोलते हैं देखो जो करना है तो कर बस तो पढ़ाई भी साथ साथ में चला क्योंकि अगर आगे ऐसा हुआ कि स्पोर्ट्स में कुछ हो, न, हो नहीं पा रहा है तो तेरे पास पढ़ाई होगी mm -hmm. और अगर पढ़ाई में इतना ज्यादा अच्छा नहीं हो पा रहा है तो तेरे पास स्पोर्ट्स होगा करने के लिए तो दोनों को साथ साथ में चलाने की कोशिश गुड फेंसर वी नो दैट यू वॉन्ट रोल दैट एशियन फेंसिंग कॉम्पिटिशन

ये स्पोर्ट क्या है तो अच्छा लग रहा है खेल हो गया ऐसे करके देन मैंने ना टू डेज स्ट्रेट वीडियोस देखी वो बहुत ज्यादा अच्छा लगा देखने में हाँ, यही करूँगी देन फिर गूगल पे सर्च किया दिल्ली में किधर है देन सर का नंबर निकाला फिर बस स्टार्ट कर दिया सो यू मस्ट बी लाइक वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया राइट यू आर द है ना तो एक सोशल मीडिया अपनी लाइफ है स्कूल है और गेम है अब तो तीन जगह डिवाइड हो गया है तो आप अपना एक पर्सनल लाइफ वहाँ पे भी बनाते एक्सपोज की अपनी पर्सनल लाइफ भी होती है तो कितना शेयर करते हो आपके आप जब कहीं जाते हो तो सारी टूर्नामेंट के डिटेल्स वहाँ पे डाल रहे होते हो सेल्फीज डाल रहे होते हो या ये ये क्लिक किया है उसके साथ ये कोई स्टार आए उसके साथ क्लिक किया हाउ मच ऑफ योर पर्सनल लाइफ गोज इन द सोशल मीडिया इट्स लाइक ऑल वी लाइक लाइक ज्यादा भी नहीं बताना और ऐसा बताना है कि हाँ वी आर एक्सप्रेसिंग तो अगर कोई मोमेंट ऐसा हुआ दैट आई वॉन्ट टू शेयर विद एवरी वन माई फ्रेंड्स माई फैमिलीज तो सोशल मीडिया पे और ऐसा कोई पर्सनल मोमेंट हुआ तो वो खुद पे सोशल मीडिया में इतना ज़्यादा अभी इतना नहीं करना है से प्रिजर्व करके रखनी कुछ चीज़ें एक मैच के पहले क्या मेंटल प्रिपरेशन रहता है आप दोनों का पहले तो ये होता है कि खेल लेंगे नहीं खेलेंगे कैसा होगा फिर वार्म अप पे जाते हैं वार्म अप करने के लिए तो गाने सुनते हैं कोई ऐसा गाना आ गया जिस पर सैड मोमेंट है तो उस पर सैड सब कुछ सैड निकल जाता है कोई मोटिवेटिव गाना तो उसमें सब मोटिवेशन निकल तो जैसे ही अबाउट कॉल हुआ तो नर्वसनेस एट हाई लेवल वेरी हाई फिर अपने आप को ऐसे दिखाते कि कोई बात नहीं खाना हो जाएगा कर लेंगे ये अबाउट जीतनी है इसके बाद कुछ भी नहीं है खोने को कुछ नहीं है पाने को भी कुछ नहीं है मिल गया बहुत अच्छी बात है और वैसे भी कुछ खोने को तो खा ही नहीं फिर जैसे ही बाउट पे उतरते हैं चल अब तो खेलना ही है अब तो कुट नहीं कर सकते फुल मतलब फुल मोटिवेशन सेल्फ मोटिवेशन पूरा रखते हैं फिर बाउट जीत गए तो बहुत ज्यादा हैप्पीनेस होती है फिर उसके बाद उसको कंज्यूम करना होता है कि इतनी ज्यादा नहीं क्योंकि नेक्स्ट बाउट भी है अभी और हार गए तो क्यों हारे कैसे हारे वो सब रिवाइज करना होता है जो बाउट्स की वीडियो बनाई होती है उन सबको देखना होता है ताकि वही सेम चीज़ नेक्स्ट बार ना हो तो हर कंपटीशन के लिए अपने कंपटीटर को आप पढ़ते हो है ना कि अभी मेरा इसके साथ मैच होता है तो आ, ऐसा कभी हुआ है कि कोई आपसे अच्छा प्लेयर हो और आप गब, बहुत घबरा गए हो पर वो मैच में आप जीत गए ऐसा कभी हुआ है आपके साथ अभी रिसेंटली हुआ हिमांशी है एक हरियाणा की तो आई यूश टू लूज फ्रॉम हर तो मेरा मैंटालिटी ऐसा था कि चल जो भी होगा देखा जाएगा बट मुझे अपना हंड्रेड परसेंट देना है सो ऑब्वियसली हाइट का फ़ायदा उठाते हुए और रीच का फ़ायदा उठाते हुए मैंने पूरी उस फाइनल में पूरी जान लगा दी थी मतलब तो अब तो जीतना ही अब तो बहुत हो गया सिल्वर तो लेके नहीं जाना गोल्ड ही लेना है सो so, उस टाइम पे जैसे बराबर स्कोर स्कोर होता था तो ऐसा होता था हो गया अब अब तो नहीं कवर होगा अब तो नहीं होगा बट फिर पीछे कोचिस को देखते थे आ, हमारे थापा सर थे और प्रतिभा मैम थी हमारे पीछे तो उनको देखते थे तो फिर मोटिवेशन आता था कि नहीं अभी कुछ करना है मतलब इंटेंस माहौल सब देख रहे हैं हमारा सिर्फ एक मैच चल रहा है फाइनल का बहुत डिफिकल्ट होता था, था बट चीट ले जाते थे जब इंडिया वाला वो नहीं, नहीं। तो आप इंटरनेशनल इवेंट्स भी कर लिया है तो सबसे टफएस्ट कंपटीटर कौन था जिसको लगा यार This girl is someone, or you know, international? International and, uh, in national and international events. In national, uh, one from Manipur, uh, mm -hmm. Lai Abidevi. Okay. and one from uh, JNK, Shreya Gupta. Okay. They're like top level right now in India. So they have perfected their everything and they also practice with me. So we are practicing in Gujarat and in the same academy. Mein hai. तो दे हैव सो मच ऑफ एक्सपीरियंस दैट कैच एवरी थिंग शो इट इन द बाउट्स तो उनके साथ अलग ही मैंटेलिटी रखनी पड़ती है कि अगर इनको यहाँ दिखा दिया तो फिर क्या होगा मैच में क्या क्या होगा तो डबल माइंडेड रहना पड़ता है कि ये इस टाइम करो या नहीं करो या uh, होना होगा ये उनके साथ या नहीं होगा तो ये स्ट्रैटेजी आप अपनाते हैं तो ऐसा कभी होता है कि अपने कॉम्पिटिटर से सीखा भी है जितना ऑब्जर्व करके तो uh,

एडवांटेज में ही रहे थे दूसरे को अपने हिसाब से खिलाओ ताकि उसको इतना कंफ्यूज कर दो वो क्या करूं मैं या सो यू अबाउट योर मैंने जब स्टार्ट किया था तो मेरे साथ मनोज कुमार पुनिया थे दिल्ली में तो वो और मैंने ग्रास रूट लेवल से स्टार्ट किया था तो एज अ चाइल्ड सब सारे कोचि एज अ चाइल्ड रखते हैं तो जब स्टार्ट किया तो उन्होंने समझाया कि कोई बात नहीं अभी कुछ नहीं हो रहा है आगे जाके होगा फिर उन्होंने मेरे को खेलो इंडिया के ट्रायल्स दिलवाए थे तो खेलो इंडिया के बाद मेरे को गुजरात में आना पड़ा था तो गुजरात में आ, मेरे पास दो कोचिज़ थे आ, एक तो हमारे पास थापा सर थे रोशन थापा और एक राजकुमार सर थे उस टाइम हमारे पास तो सैबर हम राजकुमार सर करवाते थे क्योंकि हम खेलो इंडिया वाले थे तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता था क्योंकि बहुत सारे लोग थे और उतना एक्सपीरियंस नहीं था लेसन्स लेते थे mm. ट्रेनिंग करते थे बहुत ज़्यादा बाउट में जाते टाइम बहुत ज़्यादा नर्वसनेस होती थी फिर सर को बताते थे सर साइकोलॉजिकल प्रेशर आ रहा है बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं हो पा रहा है तो सर बताते थे तो कोई बात नहीं बेटा इस बार हो रहा है अगली बार नेक्स्ट इम्प्रूवमेंट आएगी तब तुझे अपने आप फील होगा कि तू मोटिवेट हो रही है फिर लॉकडाउन आ गया mm. तो लॉकडाउन में जो मेन कोच थे मेरे साथ वो थे गोकुल मलिक उन्होंने लॉकडाउन में हमें इतना ज़्यादा प्रिपेयर किया ताकि हम जैसे लॉकडाउन था तो कहीं जा नहीं सकते थे ट्रेनिंग नहीं हो पा रही थी और हम गुजरात में ट्रेनिंग करते थे तो उस टाइम वो हमारे साथ डेडिकेटेडली लगे रहे थे कि नहीं अगर ऐसा हुआ कि लॉकडाउन के बाद कोई चांसेस हैं मेडल लाने के लिए तो मैं इनको मेडल दिलाऊंगा तो सर ने बहुत ज़्यादा हमें प्रेशराइज़ करके कि नहीं तुम्हें करना ही पड़ेगा तुमसे नहीं हो रहा है तब भी तुम करो तो वो बेस्ट पार्ट था अभी तक के लिए फिर उसके बाद हमारे पास रशियन कोच आए और अभी मेरे पास चार मेन कोचिज हैं शशिधर सिंह एंड थापा एंड um, और अलेक्जेंडर बाइकोफ एंड गोकुल सर सो so, जो हमारे अभी अलेक्जेंडर बाइकोफ है वो रशिया से हैं तो ऑबियसली लैंग्वेज बैरियर पड़ता है बट वैन एवर ही टीचर्स अस हीज लाइक या यू माई चाइल्ड यू हैव टू अंडरस्टैंड इफ आई एम टेलिंग यू समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट बट फिर बहुत मज़े मज़े में ऐसा फन बनाता है पूरी फेंसिंग में अपन

हर एक कोच की कोई नई नई चीज़ें होती हैं तो उस टाइम पे जैसे अब मैं अटैक कर रही हूँ तो मैं वो किसी एक कोच का अटैक बहुत अच्छा लगता है तो मैं वो अडाप्ट कर लेती हूँ किसी कोच का डिफेंस बहुत ज़्यादा अच्छा तो मैं डिफ़ेंस अडाप्ट कर लेती हूँ और जैसे स्टक हो जाते हैं किसी एक सिचुएशन में तो सारे मिला मिलू के जितना भी हमें आ आता है अभी तक तो उसमें से जितना तुम्हें कॉन्फिडेंस है जिस भी चीज़ों में तो वो चीज़ अप्लाई करना चालू कर देती हूँ तो ऐसा ऐसा नहीं है कि एक छोड़ दिया तो उसी की टेक्निक पे सारी टेक्निक साथ में ऐसा है और देखना है कि किस टाइम पे कौन सी टेक्निक यूज़ हो सकती है आपकी ट्रेनिंग स्केड्यूल कैसे रहती है बिफोर टूर्नामेंट्स एंड इसकी तो मैम साई सेंटर में चलती है मेरी दिल्ली में होती है तो आ, मैं सुबह ट्रेनिंग करती हूँ थोड़ी mm -hmm. ऐसा अपने घर पे ही फुटवर्क एंड वो सब फिर आई गो टू तो स्कूल वापस आके आई गो टू तो ट्रेनिंग इट्स लाइक

मेरी गर्ल्स में ओल्गा गार्डन है यूक्रेन से एंड बॉयज़ में ओ सेंगुक फ्रॉम कोरिया uh, सो so, जब गर्ल्स की बाउट देखती हूँ तो मेरा मेन यही है कि ओल्गा गार्डन बिकॉज हर स्पीड हर प्रिजर्व लाइक शी इज सो मच इन टू फेंसिंग लाइक जब बीट करना है तो बीट ही करना है वन माइंडेड फॉर जो भी एक चीज़ बोली गई है वही करना है अगर पॉइंट आ रहे हैं तो वही करना है मतलब ऐसा होता है ना कि बाउट में बहुत बार स्टक हो जाते हैं देन शिल बी लाइक ओके काम मतलब दिखता है जब हम बाउट mm -hmm. देखते हैं ना तब ऐसा लगता है कि वो अप ट्राई कर रही है अप्लाई कर रही है चीजें जो बताया गया वो कर रही है और उसकी पेरी रिपोर्ट लाइक टॉप नॉच पेरी रिपोर्ट और अगर ओसेंगो के बारे में बात आए तो वो बहुत हाइटेड है okay. तो मेरे लिए वो एडवांटेज है कि मैं उससे देख के सीखू की हाइट का कैसे हाइट फायदा हाँ। उठाना है हाँ, तो इसमें एडवांटेज एक वेट का भी होता है यू 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 लाइट वेटेड एंड एंड हाइट सो लाइक लाइक इज योर हैंगेस्ट पॉइंट इन द गेम

तो एट पॉइंट्स के बाद ब्रेक मिला तो इसके पास पानी नहीं था

कुछ नहीं है बस इधर उधर कूदते रहते हैं रजीम वही है ग्रुप के साथ कर लिया और वार्म अप वगैरह सब तो नॉर्मल वही है अगर हम साथ में होंगे इधर उधर घूमते रहेंगे कूदते रहेंगे तो अपने आप सब कुछ निकल जाता जो भी खाया हुआ ओके सो वॉट यू लाइक यू बोट बॉन्ड वेल टूगेदर तो आपका लेजर टाइम में डू स्टे टुगेदर और या यू हैव लाइक योर ओन टाइम एंड शी हैज अ ओन टाइम लेजर टाइम में क्या करते हो आप अब नेशनल में मिलते हैं तो हमारा रूम सेम होता है तो फिर नेशनल में तो हम साथ में ही रहते हैं पूरा स्टेडियम होता है ना हम दोनों ऐसा

ट्रेंड में है फैट डाइट और देसी डाइट तो आप लोग को ऐसा होता है कि आप नहीं मुझे ये डाइट करना है मुझे कोच कह रहा और मम्मा नहीं नहीं घी देसी घी खिलाई जा रही है बहुत होता है मम्मी जैसे हमारी न्यूट्रिशनिस्ट है गुजरात में तो बोलती हैं कि फैटी चीज़ें कुछ नहीं खाना बाहर से कुछ नहीं लाना है वो लड्डू होता है ना गर, सर्दियों में बना के देते हैं हाँ भून के लड्डू तो बेटा मम्मी बना के भेजती है बेटा वो खाना वो खाना फिर रूम में चेकिंग होती है फिर मैं छुपाती रहती हूँ खा छुपाऊँ इन सबको फिर मम्मी बोलती है खाया नहीं खाया मैम मैं ले गई मैं कैसे खाऊं बोलती तू घर आते घी खिलाती हूँ मैं घर ला के ऐसा तो मोटा करके भेजूंगी ना फिर वहां जाके वेट चेक होता है तू घर से क्या खा के आई ऐसा बोला था हमने नहीं खाना आप फंस गई मैं क्या करूँ ये ना यही क्यों ना वहाँ क्यों तो आप लोग ऐसे कीटो डाइट जैसे कुछ फॉलो कर इंटरमीडियंट फास्टिंग या ये आ, गेम से पहले कि कुछ एक डाइट लेते हो जो फिर गेम के बाद नहीं गेम से पहले मैम कार्ब्स और प्रोटीन ज्यादा लेते हैं hmm. ताकि एनर्जी रहे और प्रोटीन इसलिए कि मसल की रिकवरी होती रहे वरना मसल बहुत एकदम तो मसल ना टूटने लग जाते है खेला नहीं जाता तो France प्रोटीन वगैरह बहुत एंड हाइड्रेशन ज्यादा पानी इलेक्ट्रोलाइट्स uh, uh, ये सब भी तरह ऐसा होता है कि पेरेंट्स की जैसे दे गिव यू स्पेस आल्सो बट एट टाइम्स दे प्रेशराइज और मोल्ड यू इनटू सर्टेन नो स्कूल ऑफ थॉट ऐसा हुआ है कि उन्होंने आपको किसी चीज़ में बोला नहीं ये करना है तो करना है टेंथ के बोर्ड्स थे तो उस टाइम पे कॉम्पिटिशन्स भी थे और सारी चीज़ें थी तो सब पापा बोलते कि तू तो मॉर्निंग का सेशन मत कर तू तो स्कूल जा तो पढ़ाई कर इवनिंग का सेशन एक बहुत काफ़ी होगा उस टाइम के लिए क्योंकि तेरे को सिर्फ टेक्निकल चीज़ों पे काम करना है तो मैंने बोला नहीं क्योंकि कॉम्पिटिशन आ रहे हैं और मेरे को ऑब्वियसली मेडल लेना है ऑब्वियसली सब मेडल लेने जाते तो <laughs> तो पापा बोलते कि नहीं टेंथ के बोर्ड में फेल हो गए ना तो बहुत बुरा होगा मैंने बोला देख ही देगी वो तो बाद में अभी तो ये करना है अब कॉम्पटिशन खत्म होगा फिर मैं पढ़ना चालू करूंगी तो ऐसे ऐसे होगी कंपटीशन कंपटीशन होता रहा फिर लास्ट वन मंथ बचा फिर पापा बोलते अब पढ़ना है अब आप कह ही रहे हो तो इतना पढ़ ही लेती हूँ फिर उस टाइम मैंने मॉर्निंग सेशन ऑफ किया इवनिंग सेशन भी आधा करती थी और पूरा टाइम पढ़ती थी पापा फिर टॉन्ट मारने लगे

लाइक टू स्टडी अबाउट साइकोलॉजी लाइक आई एम अ फेंसर तो वो हेल्प करती है कहीं ना कहीं कि जैसे अभी मैम ने पढ़ाया कि डोकोमाइन वगैरह तो उसमें हेल्प करता है कि डोकोमाइन कैसे मिलता है तो अपने आप को मूड फ्रेश कैसे रखना है और पता चलता है कि बिहेवियर वाइज कैसे सब चेंज होता है दूसरे को ऑब्जर्व कैसे करना होता है तो वो सब स्पोर्ट्स साइकोलॉजी माइंड वर्क सब उसमें आता है तो And, बहुत हेल्प करता है एनी वे प्रैक्टिकली स्पोर्ट्स पर्सन बहुत साइकोलॉजी यूज़ करते हैं ओपोनेंट की साइकोलॉजी ओपोनेंट की टैक्टिक्स ओपोनेंट्स की मेंटल प्रिपरेशन क्या करना है मुझे कि लिटिल एडवांटेज हो कि आई कैन विन ना तो ऑलरेडी यू आर डूइंग दैट सो इट स्टडींग इट प्रैक्टिकली विल हेल्प यू इवन मोर इन योर स्पोर्ट्स आई फील so what do you study? Uh, right now I'm in 11th and mm -hmm. I have commerce with maths and psychology. Mm -hmm. so uh, it's like maths to बस पढ़ के निकालना है सिर्फ एज अ सब्जेक्ट नाम का चाहिए एंड साइकोलॉजी में भी मेन फोकस साइकोलॉजी पे ही कर रही हूँ उसको ही ढंग से पढ़ती हूँ एंड देन फ्यूचर में जाके कॉमर्स है तो बिजनेस के options है तो

किसी भी चीज़ में हम कम बैक करना इतना वो होता है ना क्योंकि मैंने वो चीज़ एक्सपीरियंस करी है बीच में जब मेरा एग्जाम एक, से टेंथ के तो ये तो साई में थी इसकी ट्रेनिंग होती थी मेरी ट्रेनिंग मेरे को ट्रैवलिंग में ही थ्री फोर आवर्स लग जाते हैं तो मैंने तब तो बंद कर दी थी तो तब पढ़ाई की एंड टू बी ऑनेस्ट जब इतना टाइम मैंने नहीं करी फेंसिंग इतने साल कंटिन्यूसली कर कर के जब नहीं करी ना मेरे को अच्छा लगने लगा कि मेरे पास फ्री टाइम है मैं पढ़ भी रही हूँ रिलैक्स भी कर रही हूँ तो मैं मैं ऐसी थी कि

छोटी छोटी चीजों से ऐसे डर जाए इंजरी से डर जाए रियली वी हैड अ लवली टाइम टूगेदर एंड वी इन्जॉयड वी योर एनर्जी जेंसी की एनर्जी तो इतनी अच्छी होती ही है वेल दैट वॉज इट फॉर टुडे दिस इज मी ऐश्वर्या साइनिंग ऑफ कीप वॉचिंग बियॉन्ड स्कॉट बोर्ड